See, daily preparation में where does this package fit will depend on the stage of the aspirant. अगर beginner है तो they need to develop a knowledge base. ठीक है, questions attempting वो बाद में भी कर सकते हैं, mains answer writing बाद में कर सकते हैं. पहले they have to do a run through the syllabus. और run through the syllabus में कई बार जब beginner aspirant होते हैं due to lack of clarity कई बार एक ही topic के multiple sources करने लग जाते हैं और उसका output नहीं निकलता क्योंकि उसको obviously वो revise नहीं कर पाएंगे. तो रन थ्रू द सिलेबस में द आइडिया इज दैट पहले इस किताब को उठाइए, उसके साथ बैठिए, फाउंडेशन समझिए, बैकग्राउंड समझिए, बेस डेवलप कीजिए. तो अगर बिगनर हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योर डे हैज टू गो विद दीज बुकलेट्स. दैट इज हाउ आई वुड हैव डिजाइड माय स्ट्रेटजी. ठीक है, एक बार फाउंडेशन बन गया उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पे फोकस करते जाएं. अब न्यूज़पेपर पे फोकस करने का सही तरीका एक तो ये है कि पहले आपको न्यूज़पेपर का आइडिया हो जाए कि कैसे उसमें रेलेवेंट आर्टिकल्स ढूंढे जाते हैं. You become self-dependent as far as reading the newspaper is concerned. तो उसमें तब आप थोड़ा कम टाइम लगाएंगे न्यूज़पेपर पे, अपना फाउंडेशन बनाने पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे.